बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में। दोस्तों आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अभी तक आपने समग्र की ई केवाईसी या सीखो कमाओ योजना के ऑनलाइन आवेदन यदि आपको करवाना है तो हमारा व्हाट्सएप नंबर यहां पर दिया गया है, आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपको सरकारी योजनाओं का लाभ अगर आपको चाहिए तो समग्र ई केवाईसी आपको करवाना जरूरी है। तो सर घर में सभी सदस्यों की समग्र ई केवाईसी करवाना जरूरी है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिए जहां से आपकी समग्र आईडी की केवाईसी की जाएगी और सीखो कमाओ योजना के ऑनलाइन आवेदन भी आप करवा सकते हैं। यहां पर हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अतिथि विद्वान की जो वैकेंसी उसकी लास्ट तारीख 31 जुलाई यहाँ पर रखी गई है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो उसके आवेदन की प्रक्रिया और कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए अतिथि विद्वान को रखा जाएगा वो सभी जानकारी देने वाले हैं, और ये ऑल एमपी के लिए, ठीक है, एमपी से कोई भी व्यक्ति इसमें आवेदन कर सकता है। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जो नोटिफिकेशन वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कार्यालय प्रचार शासकीय है गृह विज्ञान एवं विज्ञान महिला महाविद्यालय जबलपुर। यह नोटिफिकेशन आपका आउट हुआ था 12/10/2023 को। महाविद्यालय में निम्नांकित विभागों में विषय अनुसार स्वातिथ्य मदद जन भागीदारी मत महाविद्यालय संचालक शुक्ल से अतिथि शुल्क से अतिथि विद्वान की आवश्यकता है। निम्नांकित विषय तो आवेदन कर सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर कितने सब्जेक्ट हैं, टोटल 18 सब्जेक्ट हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप जिसमें आप आवेदन करवाना चाहते हैं यहाँ पर साइट में सब्जेक्ट दिया गया है, योग्यता, अगर आपने ये योग्यता है तो आप ये सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे केमिस्ट्री के लिए एमएससी केमिस्ट्री आपको होना चाहिए, मैथमेटिक्स के लिए एमएससी मैथमेटिक्स होना चाहिए, फिजिक्स के आपके लिए फिजिक्स मैथमेटिक्स होना चाहिए, बॉटनी के लिए एमएससी बॉटनी होना चाहिए, जूलॉजी के लिए एमएससी जूलॉजी होना चाहिए, इंग्लिश के लिए एमए इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी के लिए एमए हिंदी होना चाहिए। तो ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। अन्य अर्हताएं योग्यताएं यूजीसी के निम्नानुसार होगी। आवेदन पत्र दिनांक 31/7/2023 तक महाविद्यालय कार्यालय में कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं, ठीक है। 31 जुलाई 2023 तक महाविद्यालय में जाकर आप इसमें आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर एड्रेस आपको सबसे ऊपर देखने को मिल ही रहा होगा, शासकीय मोह गृह विज्ञान एवं विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर, ठीक है। यहाँ पर आप जबलपुर में जाकर आवेदन जमा कर सकते हैं। महाविद्यालय में सत्र 2022-23 में कार्यरत अतिथि विद्वानों द्वारा सत्र 2023 में भी यथावत कार्यरत रहेंगे, जो मतलब 2022-23 में जो कार्यरत थे वही 2023-24 में भी कार्यरत रहेंगे। नवीन या नए अतिथि विद्वानों हेतु आमंत्रण यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों अगर आपको करना है अतिथि विद्वान में तो यहाँ पर बिल्कुल आप आवेदन कर सकते हैं, जो कि आपको पूरा बता दिया गया है कि टोटल 12 सब्जेक्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यहाँ मेन बात यह है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आप सभी को वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।